जेल में जाते ही बेबिका ने बजा दी सबकी बैंड, जथादित के साथ हुई बड़ी लड़ाई। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस वहां पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि आकांक्षा और आलिया और जो बेबिका है वो जेल में है। हालांकि बेबिका जो है ना तो आकांक्षा को पसंद करती है ना तो आलिया को पसंद करती है, और आलिया के साथ काफी दिनों से जो है लड़ाई होने वाली थी, पर लड़ाई होते होते बची। पर आज कहीं ना कहीं इन दोनों का आमना सामना हो ही गया है, जहां पर जथादित और मनीषा जो है बाहर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। जथादित जो है अपने इंग्लिश में जो है कुछ कुछ चीजें बता रहे होते हैं, मनीषा भी जो है बहुत ही अच्छे से उनकी बातें समझ रही होती है, और वहीं पर जो है देख रही होती है ये बातें बेबिका। बेबिका बोलती है कि मनीषा तू ना इसके साथ ज्यादा चिपक मत, ये बंदा किसी चीज की इज्जत नहीं करता है, और इसका एटीट्यूड देख तेरी तरफ कैसा है, ज्यादा बकलोली मत कर यहाँ पर इसके साथ रहने की। जब मनीषा बोलती चल हट तू कोई बात नहीं, जैसे वो अपनी भाषा में बोलती चल हम देख लेंगे, तुम अपना देख लो, तुम अपना साइड में रहो, शांत रहो ना, हम बात कर रहे हैं। जहां पर फिर दोबारा से बोलने लग जाती कि भाई जो इंसान इज्जत नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, पीठ पीछे कुछ बोलता है, हमारे बारे में कुछ समझ के बैठा है, क्योंकि बेबिका को अभी पता चल चुका है, क्योंकि उस वक्त जेल के टाइम पे इसने फेक बोला था और काफी सारे रीजन बेबिका को और मनीषा के बारे में दिए थे। और जब नॉमिनेशन की बात आई तभी भी जथादित ने जो है नॉमिनेट भी इन दोनों को किया। नॉमिनेशन तो भूल गई है दोनों, पर अभी बेबिका जो है जथादित की ये नेचर समझ नहीं पा रही है, जहां पर मनीषा को भी दूर होने के लिए बोल रही है। वहां पर जो है बीच में आ जाती है आलिया, और आलिया बोलती है कि तू ऐसे सब चीजें बोल रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तू मेरा भाई है, मैं तो एटलीस्ट स्टैंड लूंगी। जहां पर वो बोलती है कि हाँ जब तक तुझे बोला जाए ना तभी बात किया कर, मेरे साथ बात मत किया कर, और तेरे ना लिमिट्स जो है वो क्रॉस हो जाएंगे मेरे से बात करने के लिए, और यहां पर मेरे से बात मत कर, और बिग बॉस इसको अच्छी ब्रीफिंग दो, जथादित को अच्छी ब्रीफिंग दो, इसको कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि जथादित बोलते हैं कि तू यहां पर क्यों है, ये क्या बोल रही है, क्योंकि बेबिका काफी सारी चीजें बोलती है। तो वहीं पर जो है ये हंसने लग जाती है और बोलती है कि इसको तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर इस जेल में हूं क्यों और किस रीजन के कारण हूं। बिग बॉस इसको ब्रीफिंग दो, लोग बोलते हैं इसको समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। काफी धमाचार लड़ाई हुई है और अभी तक भी लड़ाई चल रही है, लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अभी आप लोग बताइए कि बेबिका का करेक्टर आपको कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि सीजन की विलन है भाई वो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।